सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज रिएक्शन होने वाला है वायरल गर्ल निमरा अली फुल इंटरव्यू पर। काफ़ी ज़्यादा इनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फनी है और इनका इंटरव्यू आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो हम देखने वाले हैं। पहला इनका जो वायरल इंटरव्यू है वो देखेंगे, उसके बाद इनका जो सेकेंड इंटरव्यू आया है डेली पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला इंटरव्यू जो फर्स्ट वायरल हुआ था, फिर सेकंड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? निमरा अली। निमरा अली, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरी कज़न हमारे घर रहने आई हुई थी, तो वो कह रही थी कि आओ कहीं आउटिंग पर चलें, तो हम आउटिंग पर जा रहे थे, सोचा था हमने कि हम जाएंगे। तो ऐसे रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पर शो देखा, वहाँ पर एक ऐसे ही आए हुए थे रिपोर्टर्स वगैरह और पूछ रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम यहाँ आने लगे तो मेरे भी जहन में आया काश हम जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्टर्स आए और मैं टीवी पर ऑन स्क्रीन, आई एम सो हैप्पी, टू हैप्पी, टू हैप्पी। ड्रीम पूरा हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने जो सोचा था वो हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर ना एक यूट्यूब चैनल वाली आंटी खड़ी हुई थी, तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। तो मैंने कहा, तब मेरी मामा ना ग्राउंड में बैठी हुई थी तो हम ऐसे ना घूम रहे थे, तो ना मेरी बहन कहती है नहीं निमरा नहीं करना, नहीं निमरा नहीं करना। मैंने कहा तुम चुप करो मैं करके रहूंगी, तुम चुप करो मैं करके रहूंगी, कहती नहीं करना तुम पीछे हटो। हमारा भी कर देना यार सब्सक्राइब। लेकिन फिर भी उसमें भी मैंने अपना आधा चेहरा दिखाई दिया, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिरकार तो कैमरे में आना मेरा दिखाई था। अब आप सिटी बॉडी पर नजर आ रही है सब लोग आपकी, ये जो मैं एक स्टोरी भी सुनाऊं, दो तो सुना। हाँ नहीं, मैं एक पॉइंट सुनाने लगी हूँ। पॉइंट चलो सुनो। एक चूजा होता है, उसके ना दो छोटे छोटे चूजे होते हैं, एक का नाम होता है, एक का नाम होता है, जब ना मुर्गा जो होता है ना वो जब को बुलाता है तो आ जाता है, को बुलाता है आ जाता है, तो ना मुर्गी इतनी परेशान हो जाती है। वो ना डॉक्टर को जाकर कहती है, डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे दो बच्चे हैं जो इनका नाम मैंने अलग अलग रखा हुआ, लेकिन जब मैं कुबलाती हूँ आ जाता है, कुबलाती हूँ आ जाता है, तो मुझे कोई इलाज बताएं। तो ना डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तो इसका एक ही इलाज है, तो कहती है बताएं बताएं, वो कहता है कि ना आप ना का नाम रख दो, का नाम रख दो। बहुत ही फनी बातें कर रही हैं आप। अच्छा मुझे बताएं, आपको गाना आता है? हाँ मैं सिंगर हूँ, पता है मेरी क्लास में सारे बच्चे पता है क्या कहते थे, मैं एक गाना सुनाती हूँ, हमारे स्कूल के लास्ट डे चले थे और मैं उन सबको गाना सुनाती थी, मेरा एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाना, है तो इंडियन ही सॉन्ग लेकिन मैं सुनाऊंगी जरूर। सुनाओ सुनाओ। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से तो मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, रिपोर्टर बोल रही बस कर दो। रिपोर्टर के फेस देखो आप, समझ आएगा। मैं बात नहीं, मैं कैमरे पर आनी चाहिए, मैं 6 बजे टीवी लगाऊं ना तो मैं मुझे नजर आनी चाहिए। मैं अपने सारे दोस्तों से कह दूंगी कि वो 6 बजे CT42 लगा लें और मुझे देख लें। CT42, आई एम सो एक्साइटेड। आप तो बहुत एक्साइटेड हैं। चलें फिर एक सवाल का जवाब दें आप, मुझे बताएं कि आसमान पर लटका हुआ ऐसा कौन सा मटका जिसमें पानी होता है? आसमान में लटका कौन सा मटका है? कोई आसान सा सवाल पूछे ना। क्या दोबारा पूछना जरा? आसमान पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? होता होगा, होता होगा। बादल में पानी होता है, और क्या होता है आसमान में? बादल? नो, चांद। सोचे सर, चांद में तो क्या पानी है। दोबारा पूछना जरा। मैं दोबारा पूछती रहूं, चले आपसे मैं क्वेश्चन ही चेंज कर लेती हूं। मुझे बताएं कि चांद तनीसा, मैं पैसे ना पढ़ाई में बहुत ना लायक पांडी हूं, तो कोई आसान सवाल पूछे, मार मार के दुआएं कर करके मैं पास होती थी। अच्छा चले
ठीक है, ऐसे कौन सा जानवर है जो मुड़ के नहीं देख सकता? ना सा मगर लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। इससे भी आसान कोई हिंट ही दे दे। अच्छा मुझे बताएं कि जिस पार्क में भी आप खड़ी हैं इसका पुराना नाम क्या था? मैंने आपसे पूछा है। ये बैक बेंचर दिख रही है पक्का। तो सेम सेम ना? उसने जवाब दिया मैं। लेकिन आपकी सिस्टर कैमरे के सामने थी। आई तो आप है ना क्रेडिट था। मिंटो पार्क। अब मुझे कोई प्राइज मिलेगा कि नहीं? नो। गलत बात है ठीक है, क्योंकि आपने किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं। कोई आसान सा पूछ ली ना, मुझे कोई टंग ट्विस्टर दे देती मैं वो बोल देती। टंग ट्विस्टर भी करवाते हैं इनसे। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर की नजर, नजर की नजर, नजर ने नजर को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। यार फर्स्ट इम्प्रेशन में देख के तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी सी लग रही है, और ऐसा लग रहा है इनका बचपना अब भी इनमें बाकी, बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। और कभी कभी मैं भी अपने चाइल्डहुड डेज को इसी तरह मिस करता हूँ, सोचता हूँ कि काश मैं ऐसी हरकतें दोबारा कर सकूँ। काश। चलो आप इसका सेकेंड इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है वो देख लेते हैं, और फिर आगे और बातें करेंगे इन पर। और ये वीडियो जो है ये होने वाला है डेली पाकिस्तान ग्लोबल यूट्यूब चैनल की तरफ से, जो कि यासिर शमी का इंटरव्यू होने वाला है। तो जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, हियर वी गो। मेरे हम नफस, मेरा दिल जब तुझे पे नहीं सहारता, ये जरा जरा सी दिया हटे, तेरे शौक कदमों के दूर थे मेरा भी दिल मिल। और चले जाओ गया आपको, हम चाहते हैं ऐसे में यहीं पर जाओ, आगे इंटरव्यू ना दे सकूं, तेजी से बताएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शमी आपकी खिदमत में हाज़िर है, और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो, थोड़ा पीछे होके खड़े हो ना, फेमस तो मैं हुई हूं तो इसलिए मुझे आगे जी। निमरा हमारे साथ मौजूद है, निमरा सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी और हर तरफ छा गई, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म डेली पाकिस्तान पर आ चुकी हैं। ये मेरा इंटरव्यू क्या आपका? अच्छा मुझे बोलो, आप बोलो, आप बोलो, बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमरा अली है, आज मुझे फिर से मौका मिला है, ये खुली जगह है, पहले तो मैंने स्टूडियो में दिया ना, अब मुझे स्टूडियो में नहीं बुलाया गया, इन्होंने मुझे बाहर बोलने का मौका दिया जहाँ पे फिर पब्लिक मुझे वैसे ही देख रही है। और मैं शामिर अंकल नहीं, यासिर अंकल, यासिर अंकल को ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत इनके भी शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आप छोटी सी थी तब से ऐसी हैं? मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, मैं कोई कैमरा देख के पागल नहीं होती, मैं हमेशा ही ऐसी हूँ, घर में लोग बैठे होते हैं, मेरी फैमिली मेंबर भी बैठे हैं, सब मजाक करती हूँ, ये नहीं कि कैमरे को देखकर निमरा पागल हो जाए, ऐसी नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि कैमरे को देख के पागल होगी, वो बहुत सरासर गलत है। निमरा ये अभी मैनेजर है, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप हसन आप ये सबसे बड़ी बहन है ठीक है ना, लेकिन अब मैं इतनी फेमस हो गई हूँ कि मुझे इंटरव्यूज में इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैंने इसको अपनी मैनेजर बना लिया। अच्छा मुझे बताएं, आपको शुरू से शौक था टेलीविजन पर आने का? मुझे हमेशा से ही, ये मुझे पकड़ा है ना, मुझे भी मौका दें, बड़ा मजा आ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निमरा अली, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे शुरू से ही शौक था टीवी पर आने का, बचपन से ही शौक था। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया, जो भी है लोग तो देखेंगे ना, बस मुझे लोग। चले आप मेरा इंटरव्यू करें, आप आज एंकर पर्सन आप हैं, थोड़ा दूर खड़े हो ना फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निमरा अली, आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं शमीर अंकल का इंटरव्यू दे रही हूँ। अरे यार अंकल, यासिर अंकल, तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके हाल अहवाल पूछे कि मेरे बारे में इनकी क्या राय है, मैं इतनी हिट हो गई हूँ, मेरे साथ खड़े होकर इनको कैसा फील हो रहा है? छोटी बात तो नहीं है ये वैसे। चले वालेकुम सलाम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो कोई नई बात नहीं है, मैं पहले से बहुत फेमस हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ। आप बताएं आपको मेरे साथ खड़े होकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। आई एम बिग फैन ऑफ यू। ज्यादा ना बोले ना फिर, ये देखें ये मेरे फैंस हैं। बोलते बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? मैं आज कम बोलने की वजह से यहाँ खड़ी हूँ, इसलिए मुझे कम बोलना अच्छा लगता है। ये कम बोलने को पता क्या कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। ये जो आपकी मैनेजर है, अगर मैं इनसे कोई बात करूँ आपको पूरा, नहीं नहीं नहीं, बात सुने, फेमस मैं आई हूँ ये नहीं हुई ठीक है ना, ये फेमस नहीं हुई, फेमस मैं हुई हूँ, तो इसको बोलने का मौका क्यों दूँ? बात सुने, हर किसी का अपना अपना स्टैमिना होता है, जो पहला क्लिप था उसमें
ईशा मेरे साथ खड़ी थी, वो कितना बोली, कोई भी नहीं बोलता। यार उस लड़की के सबर को सलाम है, वो जो बेचारी आपके साथ पिछले क्लिप में खड़ी थी। सबर का सलाम फिर जो मेरे साथ, जो आप लोग सुन रहे हैं, फिर आपके भी सबर को सलाम है। आपके हस्बैंड क्या करेंगे, आप इतना बोलती है, इतना बोलते हैं, ब्लशिंग ब्लशिंग ब्लशिंग। जिसको भी मुझे पसंद करना होगा वो ऐसे करना होगा, क्योंकि मुझे सब लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो जिसने मेरे से शादी करनी है वो भी ऐसे पसंद करे। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आओ मुझे पसंद करो। मैं ना खुद को किसी के लिए चेंज कर सकती हूँ, और ना ही मैं चेंज करूँगी। मैं जैसे हूँ, मुझे मैं वैसे ही पसंद हूँ। आपकी सास तो बहुत खुश होगी कि हमारी बहू बहुत कम बोलती है। सास को छोड़े पड़े, मुझे सास से क्या लेना देना, मैं शोहर के साथ शादी की है कि समाज के साथ। ये जो आपकी बहन है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, क्या बात करेंगे, मेरे चुप करें आप, चुप करें आप। मैंने सुना था कि आप बड़ा बोलते हैं, लेकिन मुझे पता था कि निम्रा से ज्यादा कोई भी नहीं बोल सकता। मैं आपकी बहन से भी बात करना चाहता हूँ। आप पीछे जाए, नहीं निम्रा इससे क्या बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसा फील हो रहा है, आप निम्रा अली की बहन? फेर मारांगी, फेर मारांगी। इतनी बड़ी बहन जिनकी शमीर अंकल इतनी इज्जत कर रहे हैं मेरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मेरे फैन है, मैं क्या करूँ, सुननी पड़ती है, मैं कोई गरूर वाली लड़की थोड़ी हूं। निम्रा मुझे वो पोएम सुना दे। अच्छा जी, मेरी पोएम सुने, सारे सुन ले, जिन्होंने नहीं सुने वो भी सुन ले। एक चूजा होता है, उसके ना दो छोटे छोटे से चूजे होते हैं, मुन्ने मुन्ने से चूजे, उनके ना दो नाम होते हैं, एक का नाम होता है जब कुबलती है आ जाता है, कुबलती है आ जाता है, तो ना फिर ना अम्मी बड़ी परेशान हो जाती है, अम्मी ना डॉक्टर के पास चली जाती है, डॉक्टर को जाके कहती है, डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ मेरे बच्चों से, नाम तो मैंने इनके अलहदा अलहदा रखे हैं, लेकिन ना जब मैं कुबलती हूँ आ जाता है तो मुझे कोई सोल्यूशन बताए, तो ना वो कहते हैं हाँ हाँ मेरे पास इसका सोल्यूशन है, तो एक ही सोल्यूशन है, मैं इनके इलाज तो कर नहीं सकता, तो आप एक काम करें, ये ना समझे मैंने कुछ भी करना होता है ना, तो मैं कानों में हैंडफ्री लगा के करती हूँ साथ साथ अपना। दो रुपए का और कर दे। बड़ी बहन आप बहुत क्यूट हैं और इतनी अच्छी लगती है, पूरे पाकिस्तान में आप सेंसेशन बनी हैं। किसी ये किसको कह रही है, पाकिस्तान का नाम देना चाहे तो दे सकती है बहन भाइयों को। बहन भाइयों को क्यों मेरे बहन भाइयों दोस्तों को, पूरे पाकिस्तान को मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शमीर अंकल का, सॉरी यासीन अंकल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ चिट चैट कर सकूं। ये बहुत खुश नसीब है कि ये मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, किसी ने भी खड़ा होने से मैं खड़े होने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है ना। हाँ, और ये झूठ बोल रही है, ये तो चाहती है, कहती है छाए मेरे साथ सेल्फी, तो ये सब बोलने नहीं दे रही है, तो सब मेरे साथ सेल्फी भी ना खिंचवाएं। कैसे तुमने चुस मारी है, कैसे तुमने चुस मारी है, क्या है ये है डीपी, यानी डेली पाकिस्तान, मुझे देखना नहीं भूलना डेली पाकिस्तान पे, इसने मुझे मशहूर करना। आपको आलू वाले नान खिलाने आज, मैंने खाने आलू वाले नान, बस पानी पिला दे रहा मुझे, मैं कोई भूखी हूँ। चले चले जी, चले मैं गाना सुनाने लगी हूँ। चले जी, चले किधर चले, मैं गाना सुनाने लगी हूँ। आपने तो कुछ बोला नहीं, आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं? मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं ना डेली पाकिस्तान वाले ओनर से कहना चाहूंगी इनकी जगह मुझे रखना, इनसे ज्यादा तो मैं बोलती हूँ। मेरे हम नफस मेरा दिल जो तुझे बेनिसार था, ये जरा जरा सी भी आहट है तेरी शाम का, कभी नहीं भूलते मैं तो इतना बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ बैठ जाए, जरा याद कर, तेज़ बोलें बोलती जाए। मेरे हम नफस मेरा दिल जो तुझे बेनिसार था, ये जरा जरा सी भी आहट है तेरे शौक कदमों की धूल थी मेरा भी दिल, बस करे क्या हो गया आपको, आप चाहते हैं मैं ऐसे मैं यहीं पर रुक जाऊं, आगे इंटरव्यू ना दे सकूं, तेजियां ना दिखाएं मेरे साथ। जनाब अपने मेजबान यासर शामी को और निम्रा अली को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पीछे हट तुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह क्या है उधर वो दो जो दूसरी लड़की थी उसका फेस भी देखने लायक था, यहाँ पर जो सेकंड लड़की उसका फेस भी देखने लायक था, दोनों को बोलने ही नहीं दिया, बड़ा एक खतरनाक इंटरव्यू दिया है। बहुत ज्यादा यार, बहुत फनी है यार, इस तरह का आपका नेचर हो तो फिर तो क्या ही बात है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी बात की कोई टेंशन वो लेती होंगी। एनर्जी भी कमाल की यार इनकी, एनर्जी यार इतना मैं बोल लूँ ना मेरी आवाज बैठ जाए सच में, सही में भी, क्योंकि मैं हम कभी कभी ज्यादा वीडियो शूट कर लेते ना तो उस दिन मेरी आवाज बैठ जाती है क्योंकि मैं नॉर्मली इतना बोलता नहीं हूँ, हाँ, तो
आवाज़ बैठ जाती है मेरी सच में भी तो, पर ठीक है बोलने से भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, शायद यही रीज़न है इनका स्लिम होने का पर सही है ना, बहुत कैलोरीज बर्न होती है बोलने से। सो गाइस बहुत मज़ा आया इनका इंटरव्यू देखकर, इनके बारे में एक पता है एक पाकिस्तानी शो था प्यार के सदके, उसमें एक कैरेक्टर थी वो इस टाइप की थी, तो उसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज करा उसकी जो एक्ट्रेस थी कि यार रियलिटी में ऐसा कोई होता ही नहीं है, बट उसने फिर इसको देखा ना तो उसने शेयर करा उसके इंस्टाग्राम पे कि ये देख लो रियलिटी में भी लोग ऐसे होते हैं तो उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा और वायरल हुई है, तो बड़ा मज़ा आया वीडियो देखकर। आप लोगों को कितना मज़ा आया कमेंट करके बताओ, निम्रा के बारे में कुछ भी बताना चाहे आप हमें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, और डेली पाकिस्तान ग्लोबल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।